हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। बज चुके हैं 7, हो जाइए तैयार देखने के लिए करंट अफेयर का एमसीक्यू। आज है 23rd फेब 2020 और एमसीक्यू फरवरी का हम डिस्कस करेंगे, फरवरी का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा आयोजित अध्ययन के अनुसार कितने राज्यों के 76 जिलों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 5 वर्षों में 170 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला और 1700 किसानों को शामिल किया गया है। तो 19 जो राज्य हैं उन्हें 76 जिलों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी नगर में चल रहे कोप्स सीएमएस 13 सम्मेलन में 2020 वर्ष किस विषय पर सुपर ईयर फॉर घोषित की गई है? तो एनवायरमेंट ईयर घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 3 वर्षों के लिए प्रवासी प्रजातियों पर परिषद के लिए पक्षीय सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? तो वो है हमारा देश भारत। किस शहर में रोड सेफ्टी ऑन अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030 पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अरब दुनिया में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 फरवरी को किस शहर में इंडिया सोलर एंड ई व्हीकल एक्सपो 2020 और राष्ट्रीय सौर परिषद 2020 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और अगर डेफ एक्सपो पूछा जाएगा तो वो भी आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान को 2019 से 20 के लिए डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया सुधारने में उत्कृष्टता के लिए रौप्य पदक से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय चुनाव आयोग को सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो एयर हवाई सेवा के नए मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी कौन बने हैं? तो प्रवीण अय्यर जी जो हैं वाणिज्यिक अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादन संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KG अनंत कृष्णन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सेंट लुइस में कैंस कप शतरंज टूर्नामेंट 2020 जीता है? कोनेरू हम्पी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में, जिसमें भारत ने 5 रजत पदक जीते हैं और 6 कांस्य पदक जीते हैं। ब्रॉन्ज मेडल 6 हैं और सिल्वर मेडल 5 हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय 2021 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जूनियर विश्व चषक का मेजबान देश कौन सा है? तो वो है भारत। हम इतना फास्ट चल रहे हैं उसका कारण ये 100 क्वेश्चन है, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम लगेगा, हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो ओके, तो बेंगलुरु ओपन में पुरुषों की टेनिस एकल वर्ग के जो विजेता हैं वे कौन हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया की जेम्स डकवर्थ है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबरा और वहाँ की जो करेंसी होती है उसे कहते हैं डॉलर। और आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, रिवीजन है तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल के कीटों से निपटने के लिए नया स्मार्टफोन ऐप कौन सा है जो स्मार्टफोन के कैमरे के माध्यम से टिड्डियों और टिड्डों को कीटों की पहचान के लिए GPS स्थान को भी दर्ज कर सकता है? मतलब एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है जिससे टिड्डियों की तो स्थान भी पता चलेगा और उसमें जो कैमरा लगा है GPS, उससे उसका स्थान भी पता चल जाएगा और ये भी पता चलेगा टिड्डी हैं कहाँ पर। ठीक है, तो ये मैस्ट्रो ऐप बनाया गया, तो इसको आपको याद रखना है। मृदा स्वास्थ्य पत्रिका दिवस कब मनाया गया? तो 19 फरवरी को मनाया गया था। चौथा पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जहाज GRSC द्वारा विकसित किया गया तो वह कौन सा है? तो वो है INS कवरत्ति। इससे पहले GRSC ने INS कामोर्ता, INS कदमत और INS किल्टन को जो है विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ग्रेट बैकयार्ड वर्ड गणना के दरमियान पाई गई 2 पक्षी प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो वो है रेड थ्रोटेड थ्रश और प्लेम्बेयस बास्टर रेड स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता कौन हुए? तो मतलब कि राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो राष्ट्रपति अशरफ घानी, ये पहले भी यही थे और नेक्स्ट टाइम में भी इन्होंने ही ये चुनाव जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में पहला
डिजिटल इनोवेशन हब कौन सा है जिसका उद्देश्य कंपनी और भागीदारों के बीच डिजिटल वातावरण से संपर्क को बढ़ाना है? तो वो है नोवार्टिस बायोम इंडिया हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि में से भारत यूरो 6 उत्सर्जन अनुरूप डीजल पेट्रोल अपनाएगा? तो 1 अप्रैल 2020 से यूरो 6 उत्सर्जन अनुरूप ईंधन अपनाएगा भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस वर्ष तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 53 लाख टन से बढ़ाकर 108 लाख टन करने की सुविधा प्रदान करेगी? तो बस 2020 से 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बस 2018 से 19 में दुग्ध उत्पादन कितना हुआ था? तो 187 लाख टन से अधिक जो है भारत में 2018 से 2019 में दुग्ध उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक राजपत्र में संविधान के आदेश के प्रकाशन की तारीख कितने वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग को मंजूरी दे दी है? तो 3 वर्ष के लिए इन्होंने 22वें भारतीय विधि आयोग को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल और किस विदेशी संस्थान के बीच अद्यतन वैकल्पिक निवेश कोष जो सेबी है उसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ग्रेट ब्रिटेन के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के किस चरण को किस वर्ष तक के लिए मंजूरी दे दी है? तो 2024 से 2025 तक के लिए स्वच्छ भारत अभियान जो ग्रामीण क्षेत्र में है जिसके द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुकरणीय सेवा दिए गए पुरस्कार के विजेता कौन है? तो वो है बेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड नागपुर CPSU श्रेणी में, और अजय जायसवाल जो है व्यक्तिगत श्रेणी में इसके विजेता बने हैं। तो अजय जायसवाल का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मंत्रालय कौन सा है जो व्यवसाय एवं मानवाधिकार पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया में है? तो वो है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। अगर मानवाधिकार की बात आई है तो मानवाधिकार मिनिस्टर, अगर MHRD मिनिस्टर पूछे जाएंगे तो रमेश पोखरियाल निशंक, उनका निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी कौन सी है जो पैनासोनिक एवियोनिक्स कंपनी के साथ साझेदारी के साथ विमान में उड़ते समय जो वाईफाई सेवा प्रदान करेगी? तो वो है टाटा समूह की नेल्को कंपनी जो कि विमान उड़ते समय वाईफाई सेवा प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान उड़ते समय वाईफाई सेवा प्रदान करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन थी? तो वो थी विस्तारा, और ये साझेदारी के साथ पैनासोनिक और एवियोनिक्स कंपनी के साथ साझेदार जो इस समय वाईफाई प्रदान करेगी वो है नेल्को कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन के टॉप 100 इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो वो है 11, और इसमें 16th प्लेस पर है IISc बैंगलोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मार्च से भगवान राम से जुड़े स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए चालू की जाने वाली विशेष पर्यटक ट्रेन का नाम क्या है? तो श्री रामायण एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन चलेगी जो भी राम स्थल से जुड़े तीर्थ स्थान है वहाँ पर ये जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुप्रतिम बंडोपाध्याय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के अच्छे से याद कर लीजिएगा। पेंशन कोष नियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुप्रतिम बंडोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान कौन है जिन्होंने नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में 87 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है सुनील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में AFC एशिया महिलाई चषक का मेजबान देश कौन सा है? तो वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चाय मंडल द्वारा आयोजित किए गए रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम का आयोजन स्थल क्या है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल होती है अगरतला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नए दोपहिया वाहनों को खरीदने के लिए उलेमास के लिए 50% अनुदान की घोषणा की है जिनकी पेंशन वर्तमान में 1500 रुपये है और 3000 रुपये बढ़ाकर इनका दोगुना कर दिया गया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने की गई है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये किया गया है। और उलेमास का मतलब होता है पेश इमाम, मोथीनार, अरबी शिक्षक और मुजावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए कोरोना विषाणु COVID-19 जो कि WHO के द्वारा COVID-19 नाम दिया गया है ऑफिशियल नाम, के लिए पहला उम्मीदवार टीका जो है विकसित करने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोडेनेजिक्स साझेदारी के साथ इन्होंने ये किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया था, इसकी सोशल जस्टिस पावर एम्पावरमेंट जो मनाया गया था 20 फरवरी को मनाया गया था, तो इसके लिए थीम क्या रही थी? तो रही थी क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। ओके, क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। ओके,
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ी गैर बैंक की निजी जीवन बीमा करता कौन सी है, कंपनी जो है कौन सी है, तो वो है मैक्स लाइफ। ओके, ये क्वेश्चन हम फिर से बोल देता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो कि 20 फरवरी को मनाया गया था, इसकी थीम क्या रही थी? थीम रही थी क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। थीम आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निजी बैंक का नाम क्या है जिसके साथ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मैक्स लाइफ के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी में बैंक में प्रवेश की संभावना का पता लगाने के लिए एक गोपनीयता और विशिष्टता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है एक्सिस बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम के तहत प्रस्तावित कुल निवेश के बारे में भारत में सबसे ऊपर है, तो वो है गुजरात राज्य। कुल निवेश इसमें 51% हुआ है, 3.43 लाख करोड़ निवेश हुआ है वहाँ पर। और द्वितीय नंबर पे है महाराष्ट्र राज्य, यहाँ पर 1.15 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। तो भारत में फर्स्ट रैंक पर गुजरात है, सेकेंड रैंक पर महाराष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम केंद्र सरकार के किस विभाग के तहत पंजीकृत है, तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के जो है पंजीकृत है इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसके तहत वर्क करता है, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉच डॉग ट्रैफिक प्रतिवेदन के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक तस्करी होने वाला स्तन प्राणी है, उसका नाम क्या है, तो वो है पेंगुइन। और पेंगुइन दिवस अगर पूछा जाएगा तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश कौन सा है जो श्रीलंका के साथ जाफना में पलाली विमानपत्तन को विकसित करने के लिए एक समझौता करेगा, तो वो हमारा देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अरबी लोगों को खिलाने के समाधान के लिए $1,00,000 राशि के 2 फूड प्लेनेट प्राइज की स्थापना की है, तो वो है स्वीडन। 2 श्रेणी स्थायी खाद्य पदार्थों के लिए एक मौजूदा मापन की जाने वाले समाधान की है अभिनव पहल जो वैश्विक खाद्य क्षेत्र को बदल सकती है, ठीक है। स्वीडन ने क्या किया है कि जो भी फूड प्लैनेट प्राइज नामक का एक सालाना तौर पे एक वो चलाया है कि एक प्लान चला दिया है जिससे क्या जो अरबी लोग हैं उन्हें खिलाने के समाधान के लिए ये उनकी प्लान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व की जनसंख्या कितनी है, तो 7.8 अरब विश्व की जनसंख्या है वर्तमान में। ओके, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 पर पहला स्थान उत्तरजीविता स्वास्थ्य शिक्षण और पोषण दर के संदर्भ में किस देश का है, तो वो है नॉर्वे का, ठीक है। इसके बाद दक्षिण कोरिया है, फिर नीदरलैंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO और यूनिसेफ के एक आयोग द्वारा जारी की गई सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 पर भारत का स्थान कौन सा है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और एक राष्ट्र में बच्चों की जीने की क्षमता के संदर्भ में, तो 77वां। तो भारत के जो स्थान है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 पर भारत की रैंक बच्चों के लिए अस्तित्व और कल्याण के सर्वोत्तम अवसर के संदर्भ में कितनी है, तो वो है 131वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय छात्र संसद का उद्घाटन 20 फरवरी 2020 को किस शहर में हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य परिषद 2020 उत्तर पूर्वी राज्यों की भागीदारी सहयोग एवं विकास 24 से 26 फरवरी को किस शहर में आयोजित होने वाला है, तो गुवाहाटी असम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की डिलीवरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया प्रतिवेदन के अनुसार भारत को अगले एक दशक में सड़क सुरक्षा में अतिरिक्त कितने डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता है, तो 109 अरब डॉलर इन्हें निवेश करने की आवश्यकता है रोड सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनॉमिका दी इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस भारत के प्राचीन भोजन पद्धति की प्रदर्शनी 25 फरवरी 2020 को किस जगह संपन्न होगी, तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो नेशनल म्यूजियम है नई दिल्ली में, वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मुख्य सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय कोठारी जी को ये नियुक्ति है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से हांगकांग में दिए जाने वाले 2019 एजेंस
फ्रांस प्रेस केट वे प्राइज के विजेता कौन है? तो वो हैं आमिर खान, ये भारतीय हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एएफसी चैंपियंस लीग के समूह चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली भारत की पहली संघ कौन सी है? तो वो है एफसी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो वो बनी है पीवी संधू महिलाओं में, और सौरभ चौधरी जो है वो पुरुष वर्ग में बने हैं स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। पीवी संधू ये तीसरी बार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के नाम मतलब अवार्ड से नवाजी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ESPN साहस पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? तो वो है दूति चंद, ये एक धावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ESPN कमबैक ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो वो बने हैं कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ESPN इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो वो बने हैं दीपक पुनिया जी, ये वेट लिफ्टर हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, वेट लिफ्टर नहीं है ये, रेसलर हैं। 2020 ESPN कोच ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो पुलेला गोपीचंद, ये बैडमिंटन प्रशिक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में भारतीय द्वारा पहली घटना जिसे 2020 ESPN मोमेंट ऑफ द ईयर चुना गया, तो सिंधु की विश्व चैंपियनशिप जीत जो है पहली जो मोमेंट ऑफ द ईयर चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ESPN टीम ऑफ द ईयर कौन कौन बने? तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी बने, ये निशानेबाज है। 2020 ESPN डिफरेंशियली एबल्ड एथलीट ऑफ द ईयर और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने? तो वो बनी है मानसी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ESPN जीवन गौरव पुरस्कार के विजेता कौन है? तो हॉकी के दिग्गज बलवीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, असम का पहला अपशिष्ट रहित शहर कौन सा घोषित है? तो वो है तीतावोर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार कौन सी है जो राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में खुली व्यायाम शालाएं स्थापित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है? तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अपनी स्वयं की उत्पादन इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 21 फरवरी को मनाई गई, इसके लिए थीम क्या रहा था? तो थीम रहा था लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। भारत में मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2020 को मनाया गया, इसके लिए हिंदी में विषय क्या रहेगा? तो हमारी बहुभाषी विरासत का जश्न। ठीक है, भारत में मातृभाषा भी दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। तो इसका विषय रहा था हमारी बहुभाषी विरासत का जश्न, और अंतर्राष्ट्रीय का रहा लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। ओके, तो ठीक है, तो हिंदी में भी आपको याद रखना है भारत के लिए, और इंग्लिश में भी आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लुप्तप्राय प्रजातियां जो IUCN की वैश्विक संरक्षित सूची जो है उसमें शामिल कर ली गई हैं, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरकिन जो है ये लुप्त हो चुकी है, और इन्हें IUCN की वैश्विक संरक्षित सूची में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक रूप से जनवरी के महीने के लिए मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के लिए स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किसका रहा है? तो UAE का रहा है, संयुक्त अरब अमीरात का, 87.0 Mbps इसका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDR के मानव विकास सूचकांक 2019 में पहला स्थान किस देश का रहा है? तो वो रहा है नॉर्वे, इसके बाद स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में पहला स्थान किस देश का रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, नेक्स्ट पे रहा है ब्रिटेन, फिर स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी। विश्व आर्थिक मंच के नए सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में पहला स्थान किसका है? तो वो है डेनमार्क का, इसके बाद नॉर्वे, फिर फिनलैंड और फिर स्वीडन। फिनलैंड को कैपिटल होती है हेलसिंकी, ओके, नॉर्वे की होती है ओस्लो, डेनमार्क की होती है कैपिटल कोपेनहेगन, और स्वीडन की होती है स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो 128वां, 11.58 Mbps ये हमारे यहाँ नेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDR के मानव सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो वो है 129वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कितना है? तो वो है 40वां। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के नए सामसिक गतिशीलता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो 76वें स्थान पर है। आजीवन सीखने में 41वें स्थान पर है। कामकाजी परिस्थितियों में 53वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो वो है 35वां। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में भारत कितने स्थान पर है? तो
वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद, इसके बाद IISc बैंगलोर और TIFR मुंबई, तो ये इनके स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ये था, नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में पहला स्थान किसका है भारत के अंदर? तो पहला स्थान है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का, फिर है IISc बेंगलोर का, फिर TIFR मुंबई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी सोने की खान जो है वो कहाँ पर है? तो वो है जोनागिरी में, कुरनूल जिला, आंध्र प्रदेश में। और आपको ये भी याद रखना है, सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक खान खोजी गई है। अनुमान बताया गया था 3,000 टन वहाँ सोना मिलेगा, पर वैज्ञानिकों का कहना है 303 ग्राम ही केवल सोना मिलेगा। हाँ, जो जो सोने से संबंधित अयस्क हैं वे वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फ्लोटिंग जेट्टी का परिचालन कहाँ किया गया है? तो बास्को डिगामा, गोवा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मंत्रालय और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने ग्रामीण क्षेत्रों में मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सूक्ष्म, लघु, आड़ी, मध्यम मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका भारत व्यवसाय परिषद के वैश्विक निवेशक मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं विजय अडवाणी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अभिनेता जिन्हें WBR गोल्डन एरा ऑफ द बॉलीवुड सम्मान के साथ लंदन के बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है? तो वो है मनोज कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है, ओडिशा के कटक में। ओडिशा की कैपिटल हो जाती है भुवनेश्वर। वहाँ के जो CM है उनका नाम है नवीन पटनायक जी। वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल जी। भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ट्विलर द्वीप का नाम वहाँ पर EPG अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मोस और पिनाक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया था। ओके, उड़ीसा में भी जो भी मिसाइल्स होती हैं उनका परीक्षण भी किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हॉकी गेम होंगे वो भी इंडिया के भुवनेश्वर में ही होंगे। ओके, पहले खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट के 3 प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं, तो वो हैं रॉस ट्रेलर, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सस्ता भोजन उपलब्ध करने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन खोला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटल किसान मजदूर कैंटीन कहाँ खोला गया है? तो हरियाणा राज्य में खोला गया है। ठीक है, हरियाणा में गोरखपुर पावर एटॉमिक प्लांट है, तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हाँ, छिलछिला बलजीब अभ्यारण भी हरियाणा में आपको मिल जाएगा। तो गोरखपुर पावर जो स्टेशन है वो हम लोग ये समझते हैं उत्तर प्रदेश में, पर आपकी याद रखना हरियाणा के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस स्वीडिश कार्यकर्ता के सम्मान में भूमि के घोंघा की नई खोजी गई प्रजाति का नाम दिया है? तो वो है ग्रेटा थुनबर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में लड़कियां और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या रहा था? तो इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया गया था? 12 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? तो 12 से 18 फरवरी 2020 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ जो है वो देख लीजिए, द्वितीय बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 जो कि 11 फरवरी को किन किन शहरों में आयोजित किया गया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया होमवर्क। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में करना है मेंशन, और बिम्स्टेक के बारे में आपको भी बताना है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, वे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, हमने बता दिया है, इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम इसको पढ़ा चुके हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। MCQ थे जो भी प्रोवाइड हुए, हम सब ने सारे दे दिए इसमें। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा, आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी फॉलो कीजिएगा, ट्विटर शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको खबरी ऐप पर हमें फॉलो करना है, वहाँ से आपको ऑडियो क्लिप मिल जाएगा जिसे आप रिविज़न करते रहें। आपको खबरी पर हमें फॉलो भी करना है, वहाँ पर सुनना भी। ओके, एंड आपको सब्सक्राइब करना है और हमारा सपोर्ट भी करना है और कमेंट भी करना है, और आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आपको मेंशन कर देना है, और लाइक भी कर देना है, शेयर कीजिए वीडियो को जितना आप कर सकते हैं, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है वहाँ पे।
और हमेशा अपने मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और निरंतर प्रयास करते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत एक बार फिर